बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आई होप यू आर ऑल सेफ एंड साउंड इन योर होम्स। लेट मी टेल यू वन थिंग दैट यू हैव टू कंप्लीट योर समर वेकेशन टास्क फर्स्ट। एज़ यू ऑल नो दैट आई हैव द समर वेकेशन टास्क ऑफ 8th क्लास। सो लेट वी हैव स्टार्टेड आवर लेक्चर नंबर 1, ओपन पेज नंबर 1। सो हियर इट इज़ आवर पेज नंबर 1। Vocabulary. Use your dictionary and find out the meanings of the following words. You have to use the dictionary and write down the meanings of the words. And our first word is amnesty. Amnesty ka matlab hota hai aam muafi. You have to write it with myself too. As I have write, aam muafi. Second word is forbidden, and the meaning of forbidden is mamnu. Third word is mast. Mast ka matlab hota hai mastool. Anxious, pareshan. As you all know the meaning of anxious very well. Dodged, and the meaning of dodged is ziddi. Puzzle, and the meaning of puzzle is uljhan, ya pareshani bhi aap likh sakte hain. Anxiety, and the meaning of anxiety is इज़्तिराब. लॉन्सम, एंड द मीनिंग ऑफ लॉन्सम इज तन्हा. शडर, कप कपाना. इनॉग्रेशन, इफ्तिताही. Prestigious, and the meaning of prestigious is मुअत्तबर, या आप लिख सकते हैं पुरवकार. Second word embraced. Embraced का मतलब गले मिलना. Hesitation, most easy word. हिचकिचाहट. अपोलोजाइज, माफी मांगना. शिवर, कांपना. पडल, पुडल भी कहते हैं इसको, जोहर, तालाब. Unfurled, lehrana. Impetus, muharrik, ya phir quwwat. Dono mein se koi bhi meaning aap likh sakte hain. Negligence, ghaflat. Violation, खिलाफ वर्जी. सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर पेज नंबर 1. टर्न टू पेज नंबर 2. सो इन आवर पेज नंबर 2 मेक सेंटेंसेस. यू हैव टू मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन ओवर देयर. फर्स्ट वर्ड इज रिकॉग्नाइज, और रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना. तो इसका जो सेंटेंस है वो मोस्ट इजी सेंटेंस है जो मैं आपको लिखवाऊंगी. Do you recognize me? Do you recognize me? क्या आप मुझे पहचानते हैं? Second word is deficiency, और deficiency का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना.
जैसे आपको अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि इसमें विटामिन्स की कमी है, तो वो विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है. सो वी हैव राइट द सेंटेंस ओवर देयर, ही हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, उसमें विटामिन ए की कमी है. थर्ड वर्ड इज श्रिंक एंड द सेंटेंस ऑफ श्रिंक इज, श्रिंक का मतलब होता है सुकड़ना, कपड़े जैसे सुकड़ सक जाते हैं ना वैसे. ऑल द क्लॉथ्स हैव श्रिंक्ड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे श्रिंक्ड लिखा है, एस एच आर आई एन के ई डी, इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैंने हैव यूज़ किया है. तो जब भी हैव या हैज़ यूज़ होता है तो आप यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, दैट इज़ श्रिंक्ड. अटर्ड, अटर्ड का मतलब होता है बोलना. हिज फादर हैड Not uttered a word. उसके अब्बू एक लफ्ज ना बोले. Sorry, this is word. You have to write it carefully. If you have any mistake, you are going to try your ink remover to make it very clear and complete work. Plan, basically जो आपका फिफ्थ वर्ड है वो है प्लान. ये प्लाम लिखा गया है लेकिन ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये है प्लान. आई हैव अ प्लान टू गो टू आउटसाइड, मेरा बाहर जाने का एक मंसूबा है. प्लान का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है मंसूबा. नेक्स्ट वर्ड इज सोरो. सोरो का मतलब होता है दुखी, दुख. शी इज इन फुल सोरो, वो बहुत उदास है या वो बहुत दुखी है. नेक्स्ट वर्ड इज वैनिश. वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना. Ali vanished away all things. Ali ने तमाम चीज़ों को गायब कर दिया. Lonesome, meaning of lonesome is तन्हा. I felt lonesome इन द पार्टी, तकरीब में मैं बहुत तन्हा महसूस कर रही थी, या आई फेल्ट लॉन्सम, मैं बहुत तन्हा में थी तकरीब में. शेल्टर पनाहगा, द ओल्ड मैन गेव शेल्टर टू बॉय, बूढ़े आदमी ने लड़के को पनाह दी. नेक्स्ट वर्ड इज अनफर्ल्ड एंड द मीनिंग ऑफ अनफर्ल्ड इज लहराना. बहुत ईजी सेंटेंस है इसका. द लीव्स स्लोली अनफर्ल्ड, पत्ते आहिस्ता से लहरा रहे थे. सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर पेज नंबर 2. यू हैव टू सी दिस, आवर सेंटेंसेज आर गोइंग टू बी कम्प्लीटेड. एंड नाउ वी आर गोइंग ऑन पेज नंबर 3. सो दिस इज प्लूरल नाउन्स. सम नाउन्स एंड इन वाई टू मेक द नाउन प्लूरल, चेंज द वाई टू आई एंड एड ई एस. ओके, यू हैव टू डू दिस, दैट द वर्ड्स दैट आर गिवन इन द bracket, you have to change this word with plural nouns.
मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं हमेशा आपको क्लास में भी ये बताती हूँ कि वो वर्ड्स, वो नाउन्स जिनके लास्ट पे वाई आता है, ज़रूरी नहीं है कि वो IES में चेंज हों। होता कुछ यूँ है कि जब वाई किसी वर्ड के पहले लिखा जाता है, बाद लिखा जाता है, तो आप देखते हैं कि वाई से पहले वॉवल है या कोई और वर्ड। अगर तो वॉवल होता है तो आप उसको वाई को चेंज नहीं करते, और अगर वॉवल नहीं होता तो आप वाई को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे वर्ड लिखा है बेबी, लेट मी शो यू दैट दिस वर्ड इज़ बेबी। अब बेबी में अगर आप देखें गौर से तो बी ए बी वाई, तो वाई से पहले बी है, बी कोई वॉवल नहीं है, सो दिस इज़ चेंज टू बी IES। अगर यहाँ पे होता वर्ड मंकीज़, तो मंकीज़ में हमेशा वाई से पहले ई है, तो ई इज़ अ वॉवल, तो हम उसको चेंज नहीं करते, वाई को हम वहाँ पे एस लिख देते हैं। तो यहाँ पे बेबी जो है, चूँकि उसके वाई से पहले वॉवल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेबीज़। इसी तरह सारे वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, बेरी बेरीज, कंट्री कंट्रीज, फायरफ्लाई फायरफ्लाइज, कैंडी कैंडीज। सो वी हैव कंप्लीट अवर प्लूरल नाउंस। नाउ कंट्रैक्शंस। अब कॉन्ट्रैक्शन में लिखा है, कॉन्ट्रैक्शन इज़ अ शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ वन और टू वर्ड्स, वन ऑफ विच इज़ यूजुअली अ वर्ब। उन्होंने कहा है कि अब जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो बेसिकली शॉर्ट एंड फॉर्म होती है, कि जैसे कि ये यहाँ पे लिखा गया है डोंट, दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन, आप इसको शॉर्ट कर देते हैं। ठीक, अब आगे लिखा है ना, कॉन्ट्रैक्शन एंड अपोस्ट्रॉफी टेक्स द प्लेस ऑफ द मिसिंग लेटर और लेटर्स। ये जो आपको कोमा छोटा सा नज़र आ रहा है, इसको अपोस्ट्रॉफी कहते हैं। अपोस्ट्रॉफी जो है वो किसी भी लेटर के प्लेस पे हम लगा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको फर्स्ट करवाऊँ, डोंट लिखा हुआ है, तो जो कोमा अपोस्ट्रॉफी लगा दिया उन्होंने, अपोस्ट्रॉफी का मतलब है यहाँ पे ओ, सो हमने यहाँ पे इनको एग्जैजरेट करके लिखना है, दैट इज़ डू नॉट। लाइकवाइज नीचे अगर आप देखें तो आई और डी, और डी का मतलब होता है बेसिकली वुड, IWOULD वुड। इसी तरह ही एस लिखा हुआ है, तो खाली अगर जहाँ पे एस आता है उसका मतलब होता है एस, अपोस्ट्रॉफी आई की जगह पे लगता है। शी LL, तो यहाँ पे LL का बेसिकली मतलब होता है विल, अपोस्ट्रॉफी WI की जगह पे लगता है। नेक्स्ट इज़ राइट द करेक्ट कॉन्ट्रैक्शन फॉर ईच सेट ऑफ द वर्ड्स। अब आपको वर्ड्स दे दिए गए हैं, आपने उनको कॉन्ट्रैक्शन बनाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि इज़ को हम आई को अपोस्ट्रॉफी बना देते हैं और एस लिख देते हैं, दैट इज़ शी इज़ लाइक दिस। ठीक, नेक्स्ट दे विल, तो विल जहाँ पे आ जाता है हम आपको LL लगा देते हैं, लाइक दिस। ओके, उसी तरह हैड नॉट, यहाँ पे मैं आपको डोंट बता चुकी हूँ, उसी तरह हैड लिखकर हैड के आगे एंड अपोस्ट्रॉफी टी, ओ की जगह अपोस्ट्रॉफी आ जाता है। वर नॉट, सो वर नॉट बी जस्ट लाइक दिस, वर नॉट, ओ की जगह अपोस्ट्रॉफी आ जाता है। आई होप यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्ट्रैक्शंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ओके, कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब यही होता है कि एक जो लंबी फॉर्म होती है उसको शॉर्टर फॉर्म में बता देना। So we have complete our 3 pages today. This would be the ending of our lecture number 1. अब आप लोगों ने कुछ करना ऐसा है कि जो मैंने आपको जितना भी काम करवा दिया है, all of this have to be learned. आपको ये सारा कुछ याद करना पड़ेगा। मैं आपको अगेन बता दूँ कि ये दिस ऑल इज़ रिलेटेड टू योर सिलेबस, एंड आई एम होपफुल दैट यू हैव टू लर्न इट वेरी वेल। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।